स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है वो मोस्ट डिमांडेड क्लास है आप लोगों की तरफ से। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैं पहले भी कई बार गाइड कर चुका हूं कि ये जो सब्जेक्ट है इसको आप तैयार कर सकते हो बिना इसको पढ़े। अगर मैं ये चीज कहूँ तो थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। अगर आप सेकेंड ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर की तो ऑलरेडी करा रहे हैं अभिषेक सर, उसमें बहुत ज्यादा वीडियोज हम लोग नहीं देने वाले हैं। फर्स्ट ईयर के लिए इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का हम जीरो टू हीरो सीरीज लाए हैं, जिसमें सिर्फ 3 एपिसोड हैं, यानी 3 क्लासेज हैं फर्स्ट ईयर के लिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी ट्रेड का कॉमन है, लेकिन आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात तो हम लोग बाद में कर लेंगे, इसमें करा भी दूंगा मैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले सीबीटी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगा। क्या तरीका है जिससे इस सब्जेक्ट में 6 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है इसमें अलग से पास होने की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 6 नंबर ऐसे ही गंवा दें, ठीक है। ये 6 नंबर नहीं, 6 क्वेश्चन है, और जिसको 2 नंबर का एक होता है तो 12 नंबर। तो 12 नंबर महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 नंबर लगभग हमें 2% हमारे रिजल्ट में क्या कर सकता है, 2% हमारा बढ़ा सकता है, क्योंकि 600 नंबर की मार्कशीट है तो 6 × 2 = 12, है ना। तो 2% मायने रखता है, कई जगहों पर तो 0.5% भी मायने रखता है। तो इसको हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जो क्लास देखेंगे नहीं, उनको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए होगा, ठीक है। पीडीएफ भी पहले ही बता देता हूँ, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। वेबसाइट में कोर्स का ऑप्शन है, आईटीआई कोर्स का, आईटीआई कोर्स वाले ऑप्शन पर जब जाओगे आप तो इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के नाम से होगा, उस पर क्लिक करोगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड ईयर में आ जाइएगा, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में जाएंगे, अदरवाइज सेकंड ईयर पर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के नाम से क्वेश्चन जो है पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, तो खत्म हो गई पीडीएफ वाले बच्चों की डिमांड। अब हम आते हैं, कुछ आपको चीजें मैं बता दूं, अगर ध्यानपूर्वक इसको आप सुन लो और कर लो, बहुत ही आसान है, तो इससे फायदा बहुत तगड़ा होने वाला। चलिए मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप जितने बच्चे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी तो पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है, उसमें पास भी होना है। तो जब उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें 5% 10% एक एक्स्ट्रा और पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए, जितने भी, अगर बहुत से बच्चे क्वेश्चन बैंक को पूरा रट रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, ठीक है, अब तो लास्ट मोमेंट है, ये सब तो पैतरे करने पड़ते हैं। तो जब आप निम्मी के क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं तो उसमें से एक चीज आप बाहर निकाल लीजिए, क्या, अप्रोक्स 500 क्वेश्चन होंगे, 250 एक सेमेस्टर का, 250 मिला के अप्रोक्स 500 क्वेश्चन होंगे। इस 500 क्वेश्चन में से पहले आप निकाल लीजिए कौन से फिगर्स, डायग्राम जिसको कहते हैं, डायग्राम होगा ना, कोई मोटर का पार्ट दे रखा होगा, उस पर एक्स लिखा होगा, क्या होगा, इस भाग का क्या नाम है, या फिर कुछ एमसीबी दे दिया होगा कुछ की, ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो डायग्राम होंगे, डायग्राम एक अप्रोक्स 50 के आसपास होंगे। तो ये जो 50 डायग्राम है इनको आप अच्छे से याद कर लो, उनको देख लो कि ये डायग्राम जैसे आपके सामने आए उसका आप सही आंसर कर सको, ठीक है। तो ये जो 50 डायग्राम आप देख लोगे तो दो जगह फायदा करेगा, एक तो आपके ट्रेड थ्योरी में वो डायग्राम आते हैं, हर बच्चे के जो क्वेश्चन होता है कंप्यूटर पर जब ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन डायग्राम के होते हैं, किसी किसी में 10-10, 5-5, किसी में 15 में जो सर्कुलेट होता है, कम ज्यादा लेकिन आता जरूर है। तो क्वेश्चन बैंक में से पहले डायग्राम बाहर निकाल लीजिए, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी डायग्राम में से आपके ड्रॉइंग के भी क्वेश्चन बन जाएंगे, किसके, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के। आप कहेंगे ना कि ईडी पढ़ा रहे हैं तो बात क्यों कर रहे हैं थ्योरी की, जो थ्योरी के डायग्राम्स हैं उसी में से ईडी के क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ईडी के लिए अलग से क्या करना है, आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, टोटल इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन बैंक लीजिए, टोटल इलेक्ट्रीशियन में से जितने भी डायग्राम्स हैं वो एक बार देख लीजिए, किस डायग्राम को, मोटर का, ये जनरेटर का है, ये जो है क्या स्विच का है, सिंगल पोल है, डबल पोल है, इस प्रकार के अलग अलग मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर का सिंबल हो सकता है, सिंबल सर्किट और ये जो डायग्राम है उनको देख लीजिए, सबका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर टोटल देख लीजिए, यही हो गई आपकी ईडी तैयार। ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस में से क्या करना है आपको, डायग्राम्स देख लेना है, डायग्राम आपने देख लिया तो आपकी इंजीनियरिंग ड्रॉइंग तैयार हो गई, ठीक है, कैसे अभी आपको पता चलेगा। चलिए, तो आप सभी डायग्राम देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के नाम से आपके बुक में शुरू में ही दे रखा होगा 2-3 पेज का, बैटरी का सिंबल, कैपेसिटर का सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल आपने पढ़ा होगा ना, ये ऐसे क्या है, ये रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, बैटरी है, इस तरह से होता ना, प्लस माइनस लिखा रहता है इस तरह से, बैटरी है, सेल है, फैन है, लाइट है, स्विच है, डबल पोल है, सिंगल पोल स्विच है, तो कई सारे डायग्राम होंगे, मुझे लग रहा है 100-200 छोटे छोटे सिंबल्स होंगे, उन सिंबल्स को देख लीजिएगा एक नजर, ठीक है, कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, बहुत ईजी होता है, फैन का सिंबल क्या है, लाइट का सिंबल क्या है,
उसके अलावा फ्यूज है, फ्यूज का सिंबल क्या है, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। आपको दो काम कर लिए, एक तो थ्योरिक डायग्राम देख लिए, सिंबल्स देख लिए। अभी मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, भागो मत कहीं। मशीन के सिंबल्स मतलब कि जो मोटर जनरेटर हैं उनसे रिलेटेड, मोटर जनरेटर स्टार्टर से रिलेटेड जो सिंबल्स हैं उनको देख लीजिएगा। साथ ही वायरिंग सिस्टम के, वायरिंग में क्या क्या इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे होल्डर हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है। उसके अलावा वायरिंग के कई बार हालांकि डायग्राम तो नहीं पूछता है, लेकिन वायरिंग से रिलेटेड जो कंपोनेंट होते हैं, स्विच बोर्ड वगैरह हैं, फ्यूज है, इंडिकेटर हैं, बल्ब हैं, तो इनके अलग अलग जो सिंबल्स होते हैं ना उनको एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अलग अलग टाइप के होल्डर भी होते हैं ना, स्विच भी अलग अलग टाइप के होते हैं, टू वे स्विच है, सिंगल वे है, टॉगल स्विच है, दुनिया भर का है, तो इनको आप देख लीजिएगा। चार चीजें करिए, ड्राइंग के 100% क्वेश्चन आपके इसमें से कवर हो जाने हैं, इससे अतिरिक्त आपको कुछ करना नहीं है। तो इसलिए ड्राइंग के लिए अलग से क्लासेज इसीलिए नहीं कराई जा रही है कि ट्रेड थ्योरी सीरियसली पढ़ लीजिए, ड्राइंग आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। अब ये सवाल है जो पहले पूछे जा चुके हैं, अब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो पहले मैं बात कर रहा था इतना, इसका कोई मतलब है कि नहीं है, ये पता चल जाएगा आगे। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे इनको हम बात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द सिंबल यूज्ड फॉर माइक्रोफोन। कह रहा है कि ये जो चार सिंबल दिए हुए हैं इसमें माइक्रोफोन का सिंबल कौन सा है। देखिए ये स्पीकर का सिंबल बना हुआ है, ये हेडफोन का बना हुआ है, ठीक है, ये आपका माइक्रोफोन का है। यहां पर आंसर बी जो है सही है, माइक्रोफोन को दिखाना है अगर आपको किसी सर्किट में कि माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन का सिंबल इस तरह से बना दिया जाता है। देखिए ये लाइन में यहां होनी चाहिए साइड में, ठीक है, तो ये माइक्रोफोन है। ये यहाँ पर ये मैंने इसको देखा था कहीं पर, सही से इसका एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं था, इसको ये लॉजिक गेट का सिंबल मान के चल रहे हैं, लेकिन कौन सा लॉजिक गेट है ये तो कहीं से इस पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको हम छोड़कर चलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका राइट है, बी है। ये क्या है, सिंबल है, सिंपल। आप जो सिंबल्स देखोगे ना इलेक्ट्रिशियन के बुक में, पीडीएफ भी जगह जगह मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च कर लीजिए इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, आपको ढेर सारा सिंबल मिल जाएगा, तो उसी में से एक सिंबल ये भी है, ठीक है, सिंपल है। इसका आंसर क्या है, बी है, कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन दर्शाने के लिए, अगर हम कोई सर्किट का डायग्राम बना रहे हैं, सर्किट डायग्राम बना रहे हैं किसी का, तो उसमें अगर कहीं माइक्रोफोन लगा है उस सर्किट में, तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए सिंबल इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक डिवाइस है जो स्टार्ट करता है और स्टॉप करता है किसको, मोटर को। मोटर को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, ये सवाल इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का है, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का है, हाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा ये, ठीक है, सीबीटी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पहले परीक्षाएं हुई हैं, और ये पूछा है आपके ड्राइंग वाले सेक्शन में, जो छह क्वेश्चन ड्राइंग के उसमें से ये सवाल पूछा है। तो ये सवाल किसका है भाई, ट्रेड थ्योरी का सवाल है ना। ट्रेड थ्योरी में हमने पढ़ा है कि मोटर को चालू और बंद करने के लिए क्या स्टार्ट कर, क्या लगाते हैं, स्टार्टर लगाते हैं, अलग अलग स्टार्टर अलग अलग टाइप है। ये क्या, ये सब तो आपके मोटर के पार्ट्स हो गए ना, ये है आपका स्टार्टर। स्टार्टर का इस्तेमाल हम करते हैं क्या करने के लिए, किसी भी मोटर को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टार्टर। अब कोई कहेगा ना कि क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ तो रहे हैं थ्योरी, लेकिन आता किस में है, ये आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए जो मेरा ये सेंटेंस है आज से नहीं, पिछले एक दो सालों से मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में आपकी ट्रेड थ्योरी तैयार तो इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार, एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए तो स्टार्टर हम इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अलग अलग स्टार्टर होते हैं, DOL स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है ना, तो स्टार्टर आप लोग तो पढ़े होंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में। विच इज द सिंगल पोल MCB। देखिए MCB की बात हो रही है, अलग अलग यहाँ पर डायग्राम्स दिए, हो सकता है उतना अच्छा ना दिख रहा हो, तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा उसमें दिखेगा। ये MCB है, इसमें चार पोल है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपके दो पोल है, इसमें सिंगल है, सिंगल है, सिंपल जो सिंगल MCB होती है, ये डुअल अटैच्ड है, ये 4 अटैच्ड है, और ये 3 अटैच्ड है, ट्रिपल पोल, ठीक है, ट्रिपल पोल, 1, 2, 3। अब इसमें आपको सिंगल पोल बताना है, अलग है, सिंपल दिख रहा है यार, ये चार पोल है, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें तीन है। लेकिन जब एक बच्चे ने अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उसने अपने एग्जामिनेशन का आंसर की शेयर किया था, तो उसमें दिखाया था कि जो निम्मी ने आंसर कौन सा सही किया है, ट्रिपल पोल वाले को सिंगल पोल बता के सही कर दिया। ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप सही क्वेश्चन करके आओगे तो भी वो गलत कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसलिए भी करते होंगे, कहीं अगर आप बच्चा 100 में 100 पा गया तो ऐसा होता है। तो फिलहाल इसका सही आंसर ये होगा, ऐसी MCB जिसमें सिंगल होता है, सिंपल सी एक MCB जिसमें सिंगल स्विच हो ऊपर नीचे, आसान भाषा में वही आपका कौन सा कहलाएगा, सिंगल पोल कहलाएगा, ठीक है, जिसमें सिंगल एक ही बटन हो। इसमें दो बटन है, चालू बंद वाली, इसमें तीन है, इसमें चार है, अटैच्ड होती है मोस्टली,
तो ये सिंगल वाली आपकी कौन सी है? आंसर सी, ये सी वाली है, ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी। तो यहां पर सी वाला आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को सही करना है, एक दो क्वेश्चन को निम्मी गलत कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है, हर बार गलत थोड़ी करेंगे, पेपर सेटर भी तो बदलते रहेंगे, भले ही क्वेश्चन वो हो, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार गलत ही करें। तो हम लोगों को क्या करना होता है, बुक से सही आंसर देखना चाहिए और क्वेश्चन आप इनके देखिए, क्यों क्वेश्चन सही आते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है, विच पार्ट रेगुलेट द हीट इन ऑटोमेटिक आयरन। ठीक है, कह रहे हैं कि जो हमारा ऑटोमेटिक प्रेस होता है ना, जैसे हम लोग प्रेस व्रेस करते हैं उसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं हीट को, यानी जो उसमें टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, प्रेस में क्या होता है, गर्म ही तो होता है, उसी को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। ऑटोमेटिक रेगुलेट करना मतलब आपने देखा होगा जो ऑटोमेटिक प्रेस होते हैं, आप कपड़ा प्रेस करोगे ना तो थोड़ी देर बाद वो जब हीट हो जाते हैं तो अपने आप कट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, फिर वो आप प्रेस करते रहते, फिर जैसे ही ठंडा होगा हल्का सा, फिर उस टेम्परेचर से, जैसे एक फिक्स टेम्परेचर होता है उससे डाउन जाएगा तो फिर स्विच ऑन हो जाता है, ठीक है, फिर सही हो जाएगा, फिर हीट हो गया, फिर ऑफ हो जाएगा। वो क्यों करता है, अगर वो ऑफ ना हो तो हीटिंग एलिमेंट जो उसके अंदर लगा होता है इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा ना कि आपका कपड़ा जला देगा। तो मैनुअल प्रेस में ऐसी समस्याएं होती थी, उसमें हाथ से सेट करना होता है टेम्परेचर कम ज्यादा। तो ये जो चीज होती है ये कैसे होती है, क्या है डिवाइस जो कंट्रोल करता है इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, हीटिंग एलिमेंट तो वो तत्व होता है उसके अंदर जो प्लेट के अंदर लगा रहता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है, जो गर्म करता है प्रेस को, उसको हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। प्रेशर प्लेट जो आपका मेटल का जनरली रहता है, जो वजन बनाने के लिए रहता है, अगर प्रेस में थोड़ा बहुत वजन नहीं होगा जिससे हम प्रेशर के थ्रू आपके कपड़े को दबा सके ना, नहीं तो एक गर्म भी होगा और एकदम हल्का होगा कागज की तरह से, सही से नहीं प्रेस करेगा। और ये जो एस्बेस्टस सीट लगी होती है तो ये हीटिंग एलिमेंट और हमारा जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच सेट की गई होती है, ठीक है, तो इनका काम नहीं होता है। जो थर्मिस्टर स्विच होता है, नाम में भी है स्विच, क्योंकि ऑन ऑफ करना पड़ता है इसको ना, टेम्परेचर बढ़ा बंद कर दिया, लेवल से डाउन गया चालू कर दिया, तो ऑन ऑफ कर रहा है, तो ऑन ऑफ वाला काम कौन करता है, स्विच करता है। लेकिन ये थर्मिस्टर स्विच है, मतलब ये टेम्परेचर को सेंस करके काम करता है, ठीक है, थर्मोस्टेटिक स्विच, थर्मोस्टेटिक स्विच, शायद मैंने थर्मिस्टर बोल दिया था, ठीक है। तो यहां पर आंसर सी से हो जाएगा आपका। तो ये क्या है, क्या ये इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे हैं। जब हमने डोमेस्टिक अप्लायंसेस पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा, डोमेस्टिक अप्लायंसेस का जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने आयरन पढ़ा होगा, जब आयरन यानी प्रेस पढ़ा होगा तो प्रेस के सभी कंपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा, उनकी वर्किंग पढ़ा होगा, उसी में से ड्रॉइंग में क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक। चलिए, विच पार्ट रेगुलेट द हीट इन ऑटोमेटिक आयरन, लग रहा है कि क्वेश्चन में रिपीट कर दिया हूं दो बार, चलिए गलती से काट छूट गया, सेम क्वेश्चन है, पांच नंबर स्किप हो गया, पांच नंबर क्वेश्चन स्किप हो गया, उसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है, सेट करने में गड़बड़ हो गया। विच इज बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर जब आप फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिशियन में रहे होंगे तो जो शुरू में हैंड टूल्स वाला चैप्टर होगा उसमें इसको बताया गया होगा, प्लस ग्लोबल आईटीआई पर भी एक हैंड टूल्स का क्या है वीडियो अपलोड है, उसमें दिखाए भी गए इलेक्ट्रिशियन के जो अलग अलग हैंड टूल्स होते हैं उनका नाम बताया गया है, तो अगर आप उसको भी देख लेते हैं तो ड्राइंग में वो भी आपका मदद करेगा। कैसे, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए ग्लोबल आईटीआई, उसके आगे टाइप करना उसी के आगे इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स, अब उसमें क्या होगा, आपको 20 25 30 टूल्स दिखाए जाएंगे, टूल्स के नाम बता दिए जाएंगे, फिर उसी टूल्स में से एक आपके ड्रॉइंग के परीक्षा में पूछ देगा, दो नंबर आपका मिल जाएगा, है ना। तो ये होती है प्रॉपर प्लानिंग। तो उसको पढ़िए, यहाँ पर ये देखिए मैलेट है, ये लकड़ी वाला हथौड़ा है जो हल्के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वायर वगैरह होती है टेढ़ी वेढ़ी या कोई प्लेट हल्की हल्की चोट मारनी है तो लकड़ी का जो हथौड़ा होता है मैलेट है, ये बाल पिन है, मैं पूछ रहा है, ये क्रॉस पिन है, आपको भले ही ना दिख रहा हो, इसका पीछे वाला हिस्सा जो होता है, आगे तो फेस तो इसी तरह से गोल रहता है, लेकिन पीछे वाला जो है क्या होता है ऐसे इस तरह से होता है, मतलब स्ट्रेट होता है, ठीक है, और बॉल पिन में जो पीछे वाला हिस्सा होता है ऐसे गोल होता है, जो यहाँ पर देखिए बॉल की तरह, तो ये वाला जो है आपका आंसर जो है डी सही हो जाएगा, कौन सा बॉल पिन, आपको ना दिख रहा हो सही तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट, उसमें दिखेगा। और ये जो है ये कील विल निकालने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, क्लॉ हैमर जिसको कहते हैं, ठीक है, ये वो वाला पीछे ऐसे हुक बना होता है डुअल, इसमें बीच में गैप होता है, कील वगैरह जो इसमें फंसा कर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बॉल पिन हैमर पूछ रहा है, आंसर डी सही होगा। ये कहाँ से पूछ रहा है, आपके पहले फर्स्ट ईयर में, ये शुरू में पहले चैप्टर में हैंड टूल्स में था, तो इसीलिए कहीं से लग रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग आप पढ़ रहे हैं, नहीं इसीलिए हम अलग से इसके लिए कोई क्लास नहीं कराते, ये सिंगल वीडियो है, अगर इसको आपने सीरियसली समझ लिया होगा शुरू मैंने क्या बताया है, शुरू शुरू में जो मैंने टिप्स दिया है वो फॉलो कर लेंगे तो 6 में 6 12 का नंबर, पूरा 12 नंबर लेकर आ पाएंगे, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट आइडेंटिफाई द बैटन होल्डर। देखिए वायरिंग मैंने बताया था ना कि वायरिंग के कंपोनेंट देख लीजिएगा, तो होल्डर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, स्विचेज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एमसीबीज भी अलग अलग टाइप की होती हैं। दिखा रहे थे हम आपको ऑलरेडी एमसीबी है ना, सिंगल पोल, डुअल पोल, थ्री पोल, फोर पोल की एमसीबीज थी। तो यहाँ पे होल्डर भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है कि बैटन, तो बैटन होल्डर ये जनरली इसमें दो स्क्रू रहता है इस तरह से, और ये या तो दीवार पे ऐसे स्ट्रेट कस दिया जाता है, या तो वॉल में भी जगह जगह ऐसे हम ऊपर की तरह इसको कस के लगाते हैं। तो यही आपका जो है बैटन होल्डर, कौन सा है, बैटन होल्डर, ठीक है। यहां पर सीधे आंसर आपका ए हो जाए। और ये देखेंगे तो ये वाला एक एंगल पे ऐसे झुका हुआ है, तो इसको एंगल कहते हैं, एंगल होल्डर शायद कहते हैं। और ये आपका पेडेंट होता है, पेडेंट इसलिए बोलते हैं, ये लटका हुआ जो एक वायर वगैरह में जनरली हम लोग ऐसे नहीं लटकाते हैं, वो वाला ये आपका होल्डर है ना, पेडेंट कहते हैं इसको। हालांकि यहाँ पर भी एग्जामिनेशन में जो निम्मी ने गलत आंसर जो है चूज किया था, उन्होंने इसको बताया था, इसको क्या बता दिया था, बैटन बताया था, बट ये बैटन नहीं, ठीक है, ये वाला होगा। तो हम लोग सही पढ़ के चलते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर गलत ही वहां पर सही माने जाए ना। तो सेवन का ए हो जाएगा। उसके बाद वो बॉल ब्रैकेट था, ठीक है, लास्ट वाला। आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ बैटरी, बैटरी का सिंबल बताना है। यहाँ पर आपके सामने डायग्राम है, बैटरी का सिंबल आपको पता ही है कि अगर हम इस तरह से एक दिखाते हैं तो ये सेल बोला जाता है, अगर हम इसी में ये बड़ा वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो अगर हम प्लस माइनस दो बार दिखा देते हैं इस तरह से, तो ये बैटरी बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। और ये क्या बोला जाएगा, ये सेल बोला जाएगा। तो फिलहाल हमसे बैटरी पूछ रहा है, तो बैटरी जो है पहला वाला ही सही है यहाँ पर। और ये आपका वोल्ट मीटर के लिए हो जाएगा, ये आपका लैंप का हो गया, और ये आपका रेजिस्टेंस है, क्या है, प्रतिरोध जिसको कहते हैं। ये अलग अलग सिंबल्स है, तो मैंने कहा था सिंबल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो ये आसान है, दो नंबर यहाँ से भी इस तरह से आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोटो डायोड कौन सा है। देखिए नॉर्मल डायोड तो आपने ऐसे दिखा होगा कि ये नॉर्मल डायोड, ठीक है, नॉर्मल डायोड है। अगर हम एलईडी की बात करते हैं तो एलईडी में हम क्या है, दो एरो ऊपर की तरफ दिखा देते हैं इस तरह से, तो ये हो जाता है कि ये नॉर्मल नॉर्मल, अगर हम ये नहीं दिखाते हैं तो एक डायोड है। और अगर इसमें दो निकल रहा है तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, प्रकाश निकल रहा है, यानी एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर प्रकाश जा रहा हो तो, अभी क्या है, ये क्या पूछ रहा है, फोटो डायोड पूछ रहा है ना। जैसे प्रकाश निकल रहा था तो लाइट इमिटिंग डायोड था, लाइट इमिटिंग डायोड था, क्योंकि अपने अंदर से प्रकाश बाहर भेज रहा था। और अगर इसके अंदर प्रकाश भेजने लगे, यानी इस तरह से रहे, और हम यहां पर इसके अंदर, मतलब यहां पर बना लीजिए, इधर बनाइए, ठीक है, चलिए हम इधर से दिखा लेते हैं। इसके अंदर हम अगर प्रकाश भेजने लगेंगे तो यही फोटो डायोड हो जाता है। तो यहां से आप देखेंगे ये वाला आंसर जो है आपका सी सही हो जाएगा, सी जो है सही आंसर हो जाएगा, कि ऐसा डायोड जिसके अंदर प्रकाश जा रहा है, आसान बसन समझने के लिए, बाहर जा रहा है तो लाइट इमिट कर रहा है, बाहर भेज रहा है तो एलईडी है, और अंदर आएगा तो क्या होगा, फोटो डायोड हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि वो देखिए जनरल डायोड का है, तो इस तरह से अलग अलग दे रखा है। आपको क्या करना है, डायोड्स जितने हैं उनका सिंबल देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कोई ना कोई डायोड वगैरह इस तरह से सिंबल पूछ सकता है। तो ये वाला जो है इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये ए है, वो बी है, ये सी है, डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सी को सही करेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो वेब फॉर्म दिया हुआ है आपको पता होगा, इसको मैं बना देता हूँ, शायद क्लियर दिख नहीं रहा होगा ना, एक लाइन इन्होंने ऐसे खींच रखी है और इसमें इस तरह से बना रखा है, ठीक है। तो ये जो वेब शेप है इसको कह रहे हैं, बताइए भाई ये कौन सा है। हम लोग शुरू में जब आईटी आई करने जाए इलेक्ट्रिशियन से, इलेक्ट्रॉनिक से, तो हम लोग को बड़ी कमाल चीजें बताई जाती है, कहा जाता है भाई ये है सीधा जा रहा है और ये है ऐसे चल रहा है। तो यही हम लोग को बताया जाता है, ये जो सीधा चलता है ये डीसी होता है, और जो ऐसे चलता है उसको एसी कहते हैं, और एसी वाले को हम क्या कहते हैं, एसी वाले को ही कहते हैं साइन वेव कहते हैं, ठीक है। इसकी जो वेव है, यानी लहरें समझ लीजिए, ये इस तरह से चलती है, इसको साइन वेव बोला जाता है। इस हालांकि और भी चीजें हैं, आपके स्क्वायर भी होते हैं, सौ टूथ भी होते हैं, बहुत सी अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। स्क्वायर वेव में क्या है, ये चौकोर है, देख रहे हैं, और सौ टूथ में क्या होता है कि जो सौ टूथ क्या होगा, इस तरह से चल रहे हैं, मतलब आरी के दांते की तरह जो चल रहा है, सौ टूथ हो गया ना, तो वही है अलग अलग। तो ये फिलहाल पूछ रहा है कि ये कौन सा वेव फॉर्म है, तो ये आपका सिंपल एसी वाला है, कौन सा, साइन वेव है। तो साइन वेव देख लीजिए, यहाँ पर आंसर सी दिया हुआ है, कौन सा, साइन वेव। तो ये जो वेव कौन सी है, ये साइन वेव है, आपका दसवें का आंसर सी सही हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देख के जाइए, कई बार आलस कर गए एग्जामिनर पेपर सेट करने में, तो इसी में से क्वेश्चन उठा के दे देंगे, आपका काम बन जाएगा, है ना। तो
ये सही तरीका है कि हम लोग क्यों छोड़ें अगर ऐसा चांस बन रहा है तो। चलिए ये कह रहा है कि इसमें से नोज प्लायर कौन सा है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिशियन में अलग अलग प्लायर्स पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर पढ़ा था। कॉम्बिनेशन प्लायर में दो तीन काम एक साथ हो जाते हैं, जैसे मोड़ना हो, कटिंग भी हो जाता है, प्लस कोई बोल्ट वगैरह के लिए खोलने के लिए बीच में अलग से उसमें दाता टाइप का बना रहता है, तो कॉम्बिनेशन इसलिए कहते हैं, उसमें दो तीन काम एक साथ हो जाता है। फिर हमने साइड कटिंग प्लायर भी होता है, उसकी जो एक साइड एज होती है वो नुकीली होती है और कोई हार्ड वायर वगैरह कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, साइड कटिंग वगैरह। तो इसी प्रकार से नोज प्लायर भी होता है। नोज प्लायर में भी लॉन्ग नोज प्लायर है तो उसमें दो होता है, एक फ्लैट होता है और एक राउंड होता है। तो नोज प्लायर मतलब जिस प्लायर का आगे का मुंह लंबा हो, जिसकी आगे की नाक लंबी हो, जिसकी गोल होती है तो राउंड नोज प्लायर होता है, जिसका चिपटी होती है वो जो है फ्लैट नोज प्लायर होता है। लेकिन फिलहाल यहां से पूछ रहा है नोज प्लायर। तो देखिए ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है। कॉम्बिनेशन प्लायर है देखिए इस तरह से बना हुआ है, आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो, यहाँ पर इस तरह फ्लैट भी है, यहाँ पर ये भी दिखाया है, फिर यहाँ पर ये काटने वाला दांता भी बना हुआ है। मैं बना दिया आपको तो शायद अब आपको सही दिख रहा होगा कौन सा है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है, उसका बहुत ज्यादा स्थिति डायग्राम में भी नहीं समझ में आ रही है। ये आपका यहाँ पर साइड में काटने का स्पेशल इस तरह से बना हुआ है, ये साइड कटिंग प्लायर है, ठीक है। और ये देखिए इसका मुंह देखिए, यहां से शुरू हो रहा है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है, यहां से ठीक है। ये भाई कौन सा हो गया, इसकी सबसे लंबी नाक किसी की है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नोज प्लायर, पूछ भी रहा है नोज प्लायर कौन सा, तो ये। तो अगर आपने देख लिया होगा कि आपका जो शुरू का हैंड टूल्स वाला कौन सा, हैंड टूल्स वाला जो मैं कह रहा हूँ वीडियो देखने के लिए, अगर वो वीडियो देखे रहते तो इसमें से अब तक कितने क्वेश्चन सही हो जाते, दो तीन क्वेश्चन हो जाते। क्यों? क्योंकि वो मैलेट जो आपको हैमर दिखाया गया वो भी वीडियो में दिखाया गया है, नोज प्लायर भी वीडियो में दिखाया गया है, तो उसको देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको उसमें से एक से दो क्वेश्चन यानी दो से चार नंबर सिर्फ एक वीडियो से आ जाएगा आपके ड्राइंग में। मतलब कैसे इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स ग्लोबल आईटीआई सर्च कीजिए, उसको जरूर देख लीजिए, ये सब आपका आसान हो जाएगा ड्राइंग, उसके लिए रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विच इज प्रोटेक्टिव डिवाइस, इसमें से सुरक्षा उपकरण कौन सा। प्रोटेक्टिव डिवाइस जनरली अगर बिजली के हिसाब से बात किया जाए तो हमारे घरों में अगर अचानक से लाइट बहुत ज्यादा तेज आ गई या कुछ ऐसा लोड कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, तो ऐसे में MCBs अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले भी अगर इस्तेमाल करने की बात, या यहाँ पर ऐसा ऑप्शन भी नहीं है, तो हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, फ्यूज। फ्यूज इसीलिए लगाते हैं ना कि बहुत तेजी से कुछ झटके से लाइट आ जाए या कहीं बहुत ज्यादा स्पार्किंग हो गई तो फ्यूज जो है वो टूट जाता है, जल जाता है, पिघल जाता है, ठीक है। तो सुरक्षा उपकरण के रूप में क्या होता है, फ्यूज ही होता है। आपने देखा होगा कि इन्वर्टर वगैरह में भी पीछे आजकल छोटे छोटे फ्यूज लगते हैं, वो ऐसे ग्लास के होते हैं, वो अलग तार वाला नहीं होता, वो अलग टाइप के होते हैं, इतने छोटे से लेंस टाइप का रहता है, मतलब शीशे के ग्लास की तरह पतले पतले टैबलेट टाइप के रहते हैं, ठीक है। कुछ भी गड़बड़ होता है डिवाइस में पहले वो टपक लेते हैं, उससे फायदा क्या होता है कि जो सप्लाई वहीं रुक जाती है, डिवाइस के अंदर नहीं जाती, तो डिवाइस हमारा खराब नहीं होता, यानी डिवाइस की हम क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे में हमारा सुरक्षा करने वाला कौन सा हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिशियन मुझे कमी आती है, इलेक्ट्रिक कह मत देना कि यार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ाई है ना, ठीक है। वोल्टेज लेस देन 250 वोल्ट, जनरली हमारे जो घरों में है ना 220 से 250 वोल्ट तक आती है। अब अगर रियल चेक करोगे, स्टैंडर्ड तो 220 का है, लेकिन 220 से 250 वोल्ट जनरली हमारे घरों में आती है सिंगल फेज। और इसको कह रहे हैं, इसको कौन सा वोल्टेज बोला जाता है, तो ये जो होता है हमारा लो वोल्टेज होता है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, लो टेंशन वोल्टेज, ठीक है। हाई टेंशन की बात किया जाए तो आपने देखा होगा हाई टेंशन मतलब जिनमें बहुत ज्यादा वोल्टेज जा रहा हो, जैसे सबसे ज्यादा तगड़ा तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन आपका वो हो गया जो जगह जगह नहीं बड़े तीन तीन पोल पर दो दो जाते हैं और उसके नीचे से आप जाओ तो चुड़ 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 आवाज आती है, तो लोग कहते हैं यार हाई टेंशन लाइन है, तो वो सब है। यहाँ पर हमारे घरों में वो आएगी तो काम नहीं चलेगा, हमारे घरों में लो टेंशन लाइन आती है, ठीक है। LT साइड जिसको ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रीशियन में, तो उसमें दो चीजें आपने पढ़ा होगा है ना, ट्रांसफार्मर में आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि इधर दो बड़े बड़े टर्मिनल तीन लगे रहते हैं, इधर छोटे वाले लगे रहते हैं, तो एक साइड को हम लोग HT साइज मतलब और एक टाइप LT कहते हैं, मतलब जिधर हाई वोल्टेज होता है वो ST साइज होता है, लो वोल्टेज वाला साइड क्या होता है LT होता था। इसका मतलब क्या होता है कि ST साइड में क्या है 11,000 वोल्ट आ रहा होता है, कितना वोल्टेज आता है 11,000 वोल्ट आता है, और ट्रांसफार्मर भाई दिमाग लगा के और हमारे तरफ कन्वर्ट करता है। अगर सिंगल फेज में देखें तो 220 मिलती है, अगर पूरा थ्री फेज देखा जाए 440 आते हैं, तो क्या किया हाई वोल्टेज साइड वो हो गया ना, उधर इधर क्या लो वोल्टेज हो गया, तो ये ST LT वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमारे घरों में जो आती है
लो टेंशन, लो वोल्टेज आएगा, समझ लीजिए आसान भाषा में कि कम वोल्टेज वाला ही आता है, तो आंसर हम लोग बी करेंगे और सही करेंगे। क्या ये ड्राइंग का क्वेश्चन है, ट्रेड थ्योरी क्वेश्चन है, आपको ट्रांसफार्मर चैप्टर क्वेश्चन है ना। चलिए, विच इज अ सिंबल ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर का सिंबल कौन सा है? तो देखिए इन्होंने कई सिंबल बना रखे, एक सिंबल इस तरह से बनाया, शायद आपको दिख ना रहा हो तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, एम लिख के ऐसे खींच दिया है, ठीक है, जी लिखा है और फिर यहाँ पर इस तरह से कर दिया इन्होंने, एक और एम लिखा है और यहाँ बना दिया है यूं करके, और एक और इधर बनाया इन्होंने और यहाँ पर बनाया है यूं करके, ठीक है। तो देखिए ये ओम बना हुआ है, इसको ओम मीटर कहेंगे, क्या कहेंगे, ओम मीटर कहेंगे। ये है आपका जनरेटर, मान के चलिए जनरेटर हो गया, मोटर ये भी हो गई, मोटर ये भी हो गई, लेकिन ये पूछ रहे हैं कौन से वाले डीसी। और याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो हमें बताया जाता है ये सीधा वाला है वो डीसी है, ऐसे वाला जो है एसी है। कुछ देर पहले हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना ग्राफ, जब साइन वेव वाला क्वेश्चन आया था, तो सीधा वाला जो है वो क्या होता है, डीसी होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा डीसी है, अब इसमें इस तरह से घूम रहा है, मतलब ये एसी मोटर हो गई, हमें कौन सा बताना होगा, ये वाला, और ये कौन सा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर आंसर हमारा ए सही हो जाएगा कि ये जो है डीसी मोटर का सिंबल है। तो आंसर क्या बताएंगे आप, आंसर बता दीजिएगा ए, मतलब कर दीजिएगा एग्जाम में आएगा। तो ये क्या है, सिंबल्स, ठीक है। अब आज के बाद मत कहना कि ड्राइंग सर बता दीजिए, बहुत डर लग रहा है भाई, आज के बाद 12 नंबर लाना, ठीक है। हाँ 12 नंबर आपको चाहिए, पूरा का पूरा लाना है, ठीक है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ लाइन इंसुलेटर, आपने देखा होगा जो बड़े ट्रांसफार्मर से दूसरी जगह लाइटें ट्रांसमिट होती है हमारे घरों में, ठीक है, ट्रांसफार्मर टू ट्रांसफार्मर जो खंभे से लाइटें जाती हैं एक दूसरे जगह, तो वहां पर आपने देखा होगा ब्लैक कलर का लगा रहता है ना इंसुलेटर टाइप का, उसी में क्या होता है सॉरी उसी में तार जो है उसको लगाया के बाईपास किया जाता है, क्योंकि खंभे कई बार मेटल के भी होते हैं, तो अगर तार जो है मेटल पे टच करेगा तो नीचे करंट आ जाएगी, ठीक है। तो नीचे करंट ना आए और खंभे के ऊपर ऊपर बाईपास करते हैं जब हम तार, तो उसमें इंसुलेटर लगाते हैं। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रिशियन पढ़ाने आ गया आपको, आप तो उससे एक्सपर्ट होंगे इसमें, ठीक है। तो जो मटेरियल इस्तेमाल होता है ना उसी की बात करेंगे, जो इंसुलेटर लगा रहता है उसमें जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, तो एल्युमिनियम, तो इसमें तो करंट घुसेगी ना भाई, हमें तो क्या करना है, ऐसा चीज लगाना है जिसके अंदर करंट पास ना होती हो। तो कॉपर तो और तगड़ा है, रबड़ वहां पर अब तो मैंने देखा है कुछ जगहों पे अलग टाइप का मटेरियल रबड़ का भी आ रहा है, लेकिन मोस्टली जो पहले इस्तेमाल होते थे, अब तो अलग अलग देखेंगे तो मटेरियल चेंज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी पहले मोस्टली जो इस्तेमाल होते थे पोर्सलिन के ही बने, पोर्सलिन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शायद चीनी मिट्टी इसी को बोलते थे, है ना आप सिक्सर, चीनी मिट्टी, तो आपने सुना होगा चीनी मिट्टी, वो थोड़ा सा रहता भी है कमजोर टाइप का, गिराएंगे तो टूट जाता है अगर पटक दिए तो, हाँ जिसका आप कप में चाय पीते हैं, देखिए अभिषेक सर इसलिए एक्सपर्ट है, वो बढ़िया एग्जांपल देते हैं, जो आपका कप में चाय पीते हैं ना स्टील वाला प्लास्टिक वाला कप नहीं, जो एक थोड़ा सा रहता अलग टाइप का मिट्टी टाइप का, तो उसी मटेरियल का ये भी बनाया जाता है क्योंकि उसमें करंट नहीं फ्लो होती, ठीक है। तो आंसर बी से। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना क्यों डिस्कस कर दिया, इससे दो फायदा हो गया, एक तो आपका इलेक्ट्रिशियन का कंप्लीट हो गया, प्लस ये भूलेगा नहीं क्वेश्चन, अगर हम किसी चीज पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस कर लें तो उससे फायदा हो जाता है। देखिए मैंने वायरिंग वाला चैप्टर आपसे बोला था, एक उससे भी क्वेश्चन है कि जो स्विच है ये किस प्रकार का स्विच है, मैंने कहा ना बहुत सारे स्विच है, तो ये जो स्विच है ये आपका टम्बलर स्विच होता है, ठीक है, कौन सा स्विच है, इसको टम्बलर स्विच कहते हैं। आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, ये कौन सा स्विच है, टम्बलर स्विच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं, शायद क्लियर दिख नहीं रहे होंगे, अगर मान लो कुछ एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा अगर सही होगा तो, अगर सही नहीं बताएंगे तब, ठीक है। इस तरह से बना हुआ है यहाँ पर, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है वो मुझे भी यहाँ पर चेक बनाना चाहिए, ये हो गया, ठीक है, और ये है इस तरह से, उसके बाद अच्छा सर्किल भी है, चलिए ये तो बन गया, कोई इमोजी बन गया ना, ये हो गया, ये है दोनों बराबर हैं, और एक इस तरह से है, ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा सर्किल नहीं है इस तरह से, थोड़ा सा लंबाई में, तो ये बने हुए हैं। पूछ रहा है कि थ्री पिन सॉकेट का सिंबल बताइए, क्या पूछ रहा है,
पूछ रहा थ्री पिन जो सॉकेट है इसमें से कौन सा है। तो जनरली आपने देखा होगा तो थ्री पिन सॉकेट में क्या होता है, ऊपर वाला जो होल होता है वो दोनों साइड के जो होल होते हैं उनके कंपैरिजन में बड़ा रहता है। आप कभी भी अपने घर में थ्री पिन सॉकेट होगा उसको एक बार देख लीजिएगा एक नजर, ठीक है। नीचे के जो सॉकेट के ये जो होल होंगे ये छोटे होंगे एज कम्पेयर टू ऊपर। ये जो कौन सा होता है इसमें आपका एक फेज एक न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये कौन सा होता है अर्थ वाला, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आपका आंसर जो है पहला वाला ही सही, ठीक है आपका ए हो चुका, ठीक है। ये तो मतलब नहीं आपका ए वाला सही, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से विच इज द नॉट गेट, नॉट गेट पहचानना। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सिंबल आप लोग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर कुछ सिंबल बने हुए हैं, मैं खटाखट बना ही देता हूँ क्योंकि शायद हो सकता हो ये जो पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो ठीक है ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको बताना क्या है आप बताइए, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ। कैसे बता सकते हैं नीचे जाइए कमेंट में टाइप कर दीजिए इसका आंसर ये है, क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर डालिए उसके नीचे आंसर और टाइप कर दीजिए। तब तक जल्दी करिए मैं खाली होने वाला हूँ, उसके पहले आपका कमेंट टाइप हो जाएंगे फिर वापस आ जाइए। चलिए ये बना दिए मैंने सारे यहाँ पर जो भी गेट बने हुए हैं, तो इसमें से नॉट गेट बताना है। तो नॉट गेट तो मैं बताऊँ उसके पहले बाकी गेट भी बता देता हूँ। लो ये है आपका एंड गेट है, ठीक है। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। इसका काम है दो चीज़ों को क्या करना, गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। ये आपका है नॉर गेट है। नॉर गेट क्यों है, क्योंकि और गेट के आगे ये डंडा लग गया है, जिसके आगे गोला लग जाता है ना वो एन से शुरू हो जाता है। अगर ये वाला गोला इसके आगे लगा देता तो ये नैंड हो जाता है, इसके आगे एन लगा देता, ठीक है। मतलब ये आगे जो गोला लगता है वो निगेटिव दिखाता है, समझ लीजिए समझने के लिए, ठीक है। फिलहाल वो वाला तो डायोड है, ये गेट है ही नहीं। ये क्या है, ये डायोड है। तो गेट के साथ दे दिया तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। नॉट गेट की बात कर रहा है, नॉट गेट का अपना फेमस ये डमरू है, त्रिभुज के आगे गोला, यही आपका नॉट गेट हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी से हो जाएगा। तो आप लोग एक बार एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, जो भी गेट हैं पांच सात हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करेंट, ठीक है। कह रहा है कि डीसी बताना है आपको और एसी, जो शुरू में हमने डिस्कस कर लिया था कि जब हम इलेक्ट्रिशियन में आईटी करने जाते हैं तो मास्टर जी लोग सबसे पहले यही समझाते हैं, बेटा सीधी लाइन डीसी घूम के जा रही ऊपर नीचे तो एसी, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ जहां आपको मिल जाए, तो देखिए इस डायग्राम में तो दो चीज दिखी नहीं रही होगी आपको, इस डायग्राम में सिर्फ एक है। तो सिंपल से अगर लॉजिक लगाएं तो हमें पूछ रहा है जहां डीसी और एसी हो, तो पहले तो हमसे गणित लगा के ही बता सकते हैं ये डीसी है लेकिन एसी नहीं है, ये एसी है लेकिन इसमें डीसी नहीं है। और इस वाले फिगर में क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट भी बना दिया और ऐसे भी घुमा दिया, तो ये कौन हो गया, डायरेक्ट वाला डीसी हो गया, ये घूमने वाला एसी हो गया साइन वेव। तो यहाँ पर आंसर क्या सही करेंगे आप लोग, कर लीजिए इंतजार कर रहे हैं, आंसर सी, ठीक है। कि डीसी और एसी दोनों का बताना है तो डीसी एसी इसी में आप सी। नेक्स्ट लो आगे भाग गए क्या, नहीं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी बनाना ही पड़ेगा, अब तो सब ऐसे ही हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। जनरली आपने सर्किट वगैरह बनाया होगा तो उसमें ओपन स्विच दिखाना होता है, तो ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले ये नहीं कोई बता देता हूँ। प्लस माइनस शुरू में मैं आपको जब बैटरी वाला क्वेश्चन करा रहा था भाई, बैटरी वाला क्वेश्चन करा रहा था तब मैंने बताया था कि अगर अकेले होगा, दो डंडी अकेले है तो बैटरी है, चार डंडी हो गई तो सेल हो गया। तो ये फिलहाल दो डंडी वाला है, लो गलत बोल दिया ना, दो डंडी है तो सेल है, चार डंडी होती तो बैटरी हो जाता, ठीक है। और ये है आपका स्विच है, पुश टू ऑन पुश टू ऑफ पढ़े होंगे इलेक्ट्रिशियन में, मैं पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। तो ये वही स्विच है और ये हो गया आपका अर्थिंग की बात हो रही है। तो ये हमने चारों के नाम बता दिए, अब क्वेश्चन देख लीजिए आप, पहले आंसर हमने बता दिया। ये क्या है, नॉर्मल स्विच है ऑन ऑफ के लिए, ये आपका सेल है, ये पुश टू ऑन पुश टू ऑफ वाला जो होता है कॉन्सेप्ट वो है, लेकिन ये पूछ रहा है पृथ्वी का प्रतीक, पृथ्वी नहीं होगा अर्थिंग की बात होगी। अर्थिंग आप नाम सुने होंगे ना कि अर्थ अर्थिंग करना है, अर्थिंग करना है, तो अर्थ जो है आपका इसी से दिखाया जाता है, अर्थ को ही ग्राउंड भी कहते हैं ना। आंसर भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं कि मैं आप लोगों को कराऊं।
लेकिन एक बार वापस से याद दिला दूं, जो लोग लेट वीडियो देख रहे होंगे, आगे पीछे भगा के देख रहे होंगे, तो भाई आप लोग क्या कर लो, अगर पूरा 12 में 12 नंबर लाना है ना, तो छोटा सा काम कर लेना जो यहाँ पे मैंने बताया था। थ्योरी के जितने भी डायग्राम है उनको एक बार देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जितने होते हैं प्लस माइनस दुनिया भर के ना, बैटरी मोटर गोल गोल छोटे छोटे सिंबल्स उनको देख लीजिएगा, मशीन में मोटर जनरेटर वगैरह से रिलेटेड सिंबल, और वायरिंग में जितने भी स्विच होते हैं, होल्डर होते हैं, लटकने वाले बल्ब पंखा, उनका सिंबल देख लीजिएगा। ये चारों काम कर लेंगे तो आप क्या पा सकते हैं, 12 पूरे नंबर ला सकते हैं। इससे ज्यादा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। और ये वीडियो अगर आप समझ गए और सीरियसली इस चीज को आपने फॉलो कर लिया तो 12 नंबर समझ लिए आपने ले लिया। और वीडियो कैसी लगी, क्या आपको ऐसा लगा कि इसके बाद आप 12 नंबर ला सकते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतने रखते हैं, कम पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 नंबर नहीं लाना है, 12 नंबर लाना है। चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।